आप लोगों की जिंदगी मतलब इन 5 सालों में कुछ सुधार भी हुआ है या कैसे हालात हैं? आने वाली 8 तारीख को पूरे 5 साल बीत जाएंगे। सुधार तो हम अपने गांव में लौटे हैं, तो मैं तो अपने आप को मतलब सुरक्षित ही मानती हूँ अपने गांव की, क्योंकि मैंने देखा है, जैसे मैं काम करती हूँ, कॉलोनी की स्थिति भी देखी है और वहाँ का माहौल भी देखा है और वहाँ के लोगों की बोलने का तरीका भी देखा है। जैसे प्रधान है वहाँ का, जैसे विस्थापित परिवार रहते हैं, उनको कोई नहीं सुनता, लेकिन हम फिर भी अपने गांव में रहते हैं, कम से कम ऊंची आवाज से जो भी हमारी दिक्कतें हैं कम से कम बोल तो सकते हैं बेझिझक होकर। हमारे गांव में ये स्थिति है, जैसे पानी, हमारे गांव में टंकी कभी कभी खराब हो जाती है पानी की, तो हम बेझिझक होकर प्रधान को बोल देते हैं कि अंकल टंकी नहीं आई, कब तक ठीक होगी। लेकिन जो विस्थापित कॉलोनी है वो तो ये भी नहीं कर पाते, उन्हें इसीलिए अपना गाँव बहुत याद आता है, अपनी हर एक चीज याद आती है। मेरे गांव में फिलहाल तो सभी स्थिति ठीक है, माहौल की भी एक दूसरे के साथ जैसा पहले रहते थे ऐसे ही माहौल ठीक होता जा रहा है, सबके साथ रिश्ते बन रहे हैं। हम भी सोचते हैं जो हुआ सो हुआ, लेकिन हम अगर उसी को लेके बैठेंगे तो हम अपने गांव में रहना है, हमारे पास और कुछ भी चारा नहीं है, ना ही हमें मुआवजा दिया गया, ना हमारी कोई सुनवाई हुई, फिर हम अपने गांव में जैसे पहले रहते थे एक दूसरे के साथ ऐसे ही रिश्ता बना रहे हैं। और वो भी अपनी मतलब गलती मानते हैं, उस बात को दोहराते हैं, जैसे बैठते हैं सभी महिलाएं बैठती हैं तो हमारी मम्मी बोल देती है, भाई हमने आज तक किसी को कुछ नहीं कहा, किसी को गलत शब्द नहीं किया, फिर भी आपके बच्चों ने हमारे साथ ऐसा किया। तो ये महिलाएं शर्मिंदा होती हैं कि भाई हमारे बच्चों ने ऐसा किया, फिर वो एक ही बात को बोलती खत्म कर देती है कि औलाद कहाँ किसी के बस में है। तो इसलिए कंधमाल का 10 साल का हम पीछे मुड़ के देख रहे, हमें ये भी याद करना होगा ये सिर्फ कोई मैसेकर का, एक जनसाइड का, एक पोग्रोम का एनिवर्सरी नहीं बनाने का बात है, ये कोई एनिवर्सरी का मामला नहीं है, ये हमारा जिंदा रहने का मामला है। क्योंकि इतिहास अगर सही ढंग से हम नहीं समझेंगे, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड हिस्ट्री द वे वी शुड एंड कंटिन्यू आवर एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री, then we are going to fail as a society and as a civil society especially. और ये है कंधमाल का मैसेज। अगर धर्मनिरपेक्ष एजेंडे को राज्य का एजेंडा बनना है तो हम कभी भी सामाजिक रूप से धर्मनिरपेक्ष कार्रवाई नहीं कर सकते, या हम कभी भी अल्पसंख्यकों के साथ नहीं खड़े हो सकते। यह चीज गुजरात में दिखलाई पड़ी, यह चीज कंधमाल में दिखलाई, कंधमाल के मामले में दिखलाई पड़ी, ये चीज मुजफ्फरनगर के मामले में दिखलाई पड़ी। वरना मुजफ्फरनगर के मामले में इस तरह की बेदिली आप उसे नहीं कह सकते, इस तरह की बेरहमी की कोई वजह नहीं थी जो गुजरात में देखी गई कि आपने राहत शिविर तोड़वा दिए और आपने इस तरह के मुआवजे का पैकेज तैयार किया कि वापस लोग गाँव में जाके न रह सके। जो जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज पढ़ाई लिखाई सोच समझ आधुनिकता ज्ञान विज्ञान इंटरनेट पूरे दुनिया के साथ हम जुड़ते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, लेकिन सोच के लेवल पर इस देश के अंदर जो नकारात्मक सोच है उसका वर्चस्व होता जा रहा है, इसके रूट काज को भी हमें समझना होगा।